हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आज इस एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एक डुप्लेक्स में खड़े हैं। वहाँ एक ब्रह्मस्थान के अंदर हमें एक नाभि यंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। ये जो डुप्लेक्स है, इसमें बहुत ही वास्तु दोष है। जैसे इसका जीना भी गलत दिशा में, मेन एंट्रेंस भी गलत दिशा में है, बहुत कुछ टॉयलेट भी वास्तु दोष ही है, वो भी गलत दिशा में बना हुआ है। पर यह रेडीमेड वास्तु है। यहाँ हम वास्तु का वैदिक का जो नियम है वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, पर इधर हम एक रेमेडी कर सकते हैं। उस रेमेडी के लिए हम आज इसके ब्रह्मस्थान के अंदर एक नाभि यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, जिससे इस वास्तु के जो 45 देवता है उनकी एनर्जी को हम इंक्रेस कर सकें और ये वास्तु दोष का हम निवारण कर सकें। आज आपको इस वास्तु दोष का जो भी इफेक्ट है, बिना तोड़फोड़ हम इसको दोष को हम दूर कर रहे हैं। ये हमारा इस वास्तु का ब्रह्मस्थान है, जहाँ ये ऑलरेडी पहले से ही फ्लोरिंग हो चुका है। हम कारीगरों के की मदद लेके, हेल्प लेके ये फ्लोरिंग तोड़ रहे हैं और यहाँ पे ब्रह्मस्थान पे एक नाभि यंत्र की स्थापना करेंगे। अब जिस तरह से आपने ये फ्लोरिंग देखा था, उस फ्लोरिंग को हमने पहले तोड़ दिया है। अब इसी ब्रह्मस्थान के अंदर अब हम एक खड्डा कर रहे हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मस्थान जो हमारा वास्तु का होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे हम कुछ भी गलती करते हैं तो हमारे वास्तु के अंदर उसकी बहुत सारी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ती है। ब्रह्मस्थान यानी पूरे वास्तु का, कंस्ट्रक्शन वास्तु का ब्रह्म पॉइंट होता है। वहाँ पे श्री ब्रह्मा का वास है, वहीं से ही सब एनर्जी का जन्म होता है, यानी हर शक्ति वहाँ से उत्पन्न होती है, जो उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम कोण में अपने देवता के हिसाब से वहाँ से वो प्रचलन करती है। यानी यहाँ से जो एनर्जी का एक फ्लो डेवलप होता है, वो 45 देवी देवता वास्तु के अंदर जो 45 देवी अपनी शक्ति फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, उसको वो बढ़ावा करती है। यानी यहाँ का जो भी दोष होगा वो हमें बहुत ही नुकसान करेगा। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको वही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी के घर के अंदर ब्रह्मस्थान में अगर कोई दोष है या और भी बहुत कुछ दोष है, तो हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। पहले तो हम कंसल्ट करो किसी वास्तु शास्त्री को, या फिर ऐसा वास्तु अगर हमने ले चुके हैं तो कंसल्ट करके उससे उसका निदान भी आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा वास्तु में तो लेना ही नहीं चाहिए, पर अब क्या करें, रेडीमेड वास्तु में हमें इसका निवारण कर रहे हैं। अब ये खड्डे के अंदर हम पूरा एक पूजा पाठ करके मंत्र जप के साथ एक नाभि यंत्र की स्थापना करेंगे, वो भी आगे आपको पता चलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, अंत तक प्लीज़ आप देखने को कष्ट करना, क्योंकि आपकी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आप भी अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा ब्रह्मस्थान का दोष या वास्तु का अन्य कोई दोष से पीड़ित है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और उसका निवारण ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम ब्रह्मस्थान में नाभि यंत्र की स्थापना करते हैं, तो इस तरह से ये पूजा के पान आते हैं, नागरवेल के पान बोलते हैं इसको। इस नाभि यंत्र की स्थापना करने से पहले जो हमारे वास्तु का ब्रह्मस्थान होता है, वहाँ पे इस तरह से पान का पूरा एक हमें बेड तैयार करना पड़ता है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। मानो जैसे हमने एक बेड बनाया है, पूरी चादर बिछाई है ये नागरवेल के पान की। ये बहुत ही शुभ और पवित्र पूजा लायक पान होते हैं। वास्तु के अंदर इसका बहुत महत्व है और इसकी इफेक्ट भी बहुत अच्छी मिलती है। फिर फ्रेंड्स, इस तरह से हम ब्रह्मस्थान में कपूर को जलाएंगे, यानी कपूर की जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मस्थान की कोई भी नेगेटिविटी होगी तो कपूर से शुद्धिकरण हो जाती है। वास्तु के अंदर कपूर का भी बहुत महत्व है। मैं कपूर के भी एक वीडियो अपलोड करूँगा फ्यूचर में, जिससे आपको बहुत नॉलेज प्राप्त होगी। अब इस तरह से ये पूरा पूजा के अंदर कपूर का पूरा ज्वलनशील हो रहा है, यानी यहाँ की कुछ भी नेगेटिविटी है ब्रह्मस्थान की, वो यहाँ से भाग जाती है। यानी ये पूरे वास्तु को एकदम पूजनीय करता है, एकदम स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। कोई भी भूत प्रेत आदि व्याधि बाधा, कोई भी कपूर की ज्वलन से यहाँ का पूरा एरिया है, इतना पॉजिटिव एरिया हो जाता है कि आप मानो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ के अंदर हमें श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा, मकान का जो बंदा है, मकान का जो मालिक है, अगर जितनी भी श्रद्धा इस पे रखेगा, तो मानो के चमत्कार उसकी लाइफ में होता है, क्योंकि श्रद्धा से ही हमारे आधे काम हो जाते हैं। श्रद्धा रखने से भी कंकर में ही शंकर दिखते हैं, बाकी सोने की मूर्ति में भी आप शंकर के दर्शन नहीं कर सकोगे।
जब तक ये कपूर ज्वलित ही रहता है तब तक उसको ज्वलित रखते हैं, फिर हम इसमें आगे जो भी हमारी क्रिया है वो करेंगे। अब ये कपूर बुझ जाएगा, फिर हम यहाँ से ले लेंगे, फिर पूरा स्फटिक चिप्स आती है, क्रिस्टल चिप्स जिसे बोलते हैं, वो इस पर हम पूरी बिछाएंगे, फिर हम हमारा नाभि यंत्र इसके ऊपर स्थापित करेंगे। देख, आम हाथी ना कौन हाँ, यस यस यस। अब इस पे हम पूरा ये जो क्रिस्टल चिप्स है उसकी पूरी एक और बेड बनाएंगे जो पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है ब्रह्मस्थान के अंदर। यानी ये क्रिस्टल चिप्स इतना वास्तु को, इतना दोष, कोई भी दोष होता है ना, उसको दूर कर सकती है। इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी अगर इस तरह से हम हमारे वास्तु को एक्टिवेट करते हैं ब्रह्मस्थान को, मानो के एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारी लाइफ के अंदर। अगर ये जो प्रयास आप पुराने मकान में भी कर सकते हैं, पर इतनी आपको झंझट झेलनी पड़ेगी कि वो फ्लोरिंग टूटना पड़ेगा। बाकी अगर आप नया बंगला बना रहे हो तो प्लीज़ ये प्रोसेस करना। ये बिना वास्तु दोष नहीं होगा तो भी ये प्रोसेस करोगे ना तो ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये सप्लीमेंट्री फूड है और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी है। कि भी आपको अगर बीमारी है तो एंटीबायोटिक के विज़न से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमारी नहीं है, मीन्स कोई वास्तु दोष नहीं है, तो सप्लीमेंट्री फूड के विज़न से आप उसको स्वीकार कर सकते हो। यानी फ़ायदा तो होने ही वाला है, क्योंकि ये देव कार्य है, शांति का कार्य है, शक्ति का कार्य है, दिव्य शक्ति को ये बहुत ही हमारे वास्तु में बढ़ावा देता है। और ब्रह्मस्थान को अगर हमने इतनी श्रद्धापूर्वक एक्टिवेट कर रहे हैं, मानो कि आप कुछ कहने का कोई मेरे पास उसके शब्द ही नहीं है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना हो तो प्लीज़ मेरी कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ऐसा अगर आप अपने घर में करवाना चाहते हो तो भी हमारा संपर्क कर सकते हो। पूरा पूरा डाल देना, हमें बचाना नहीं है, हमें हर स्थिति पे ये पूरा क्रिस्टल चाहिए। फिर इस पे पूरा एक नेचुरल फूल कमल दंड, पूरा कमल के फूल आएंगे, गुलाब के फूल आएंगे, मानो जैसे पॉजिटिविटी का भंडारी हमने एक्टिवेट किया हुआ है। ये पुष्प चादर जिसे हम बोलते हैं, बस ये प्रोसेस के अंदर श्रद्धा बहुत जरूरी है। अगर मानो आपने श्रद्धा कर लिया तो समझो कि आपका काम बन गया, क्योंकि काम ईश्वर की देन है, काम बनना ना बनना, पर ईश्वर के प्रति हमें अतुट श्रद्धा होगी तो वो हमें कभी हैरान नहीं करेगा। वो हमारी कोई भी गलती को माफ़ करेगा, कोई भी हमारे वास्तु दोष से हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा। उस पर भरोसा रखने से हमें बहुत ही फायदा होता है। जो आप एक बार खाली, ये तो चलो एक उपाय है वास्तु का, आप ये उपाय बिना भी एक बार कोई भी काम ईश्वर के भरोसे करना, आपको क्या रिजल्ट मिलता है आप देख लेना। ये सब हमारा जो आज तक का जो हमारी लाइफ की जो एक अभ्यास है उसका एक ये कहती है नॉलेज है। हमने हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे बहुत चढ़ाव उतार देखे और उसमें ईश्वर के प्रति जो अटूट श्रद्धा रखी है, हमारे माइंड की फिटनेस से हम स्टेबल हुए, हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ये कोई मेन फिलोसॉफी नहीं है, ये एक साइंस ही है। माइंड स्टेबल रखने के लिए, माइंड की फिटनेस के लिए हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये सब एक उनके हैं, उनके दिए हुए शास्त्र है जो वहाँ तक हमें ले जाते हैं कि भाई इस शास्त्र की बदौलत आप ईश्वर को अपनी प्रार्थना पहुँचा सकते हो। बाकी कोई वास्तु चमत्कार नहीं है। अब हम ये कर रहे हैं तो हमें कर्म तो करना है, पर कर्म में आने वाली बाधा जो हम दूर नहीं कर सकते, दो तरह की बाधा होती है, एक हम दूर करते हो तो ईश्वर दूर करते हैं। तो क्या पता है इस उपाय से हमें ईश्वर से इतना निकट ले आए और वो बाधा दूर करने में हमें शक्ति दे दे, हमें मार्गदर्शन दे। अब देखिए, ये अब पूरा नाभि यंत्र की हम स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मस्थान के अंदर। इस नाभि यंत्र के अंदर कछुआ है, क्रिस्टल कमल है, फिर देखेंगे तो पिरामिड्स है,
पंचधातु पिरामिड है, कोड़ी, ये ऐसा महायंत्र है, इसको हम नाभि यंत्र बोलते हैं। अगर ये ब्रह्मस्थान में अगर हम इसको स्थापित करते पूरी श्रद्धा विधि विधान के अनुसार, तो ब्रह्मस्थान से उत्पन्न होने वाली शक्ति माँ भगवान ब्रह्मा की जो शक्ति है, माँ अम्बे की जो शक्ति है, वो यहाँ से ही उत्पन्न होती है और हमारे वास्तु के 16 जोन में यानी 16 दिशा में जाती है। वहाँ की जो भी एटीट्यूड है वो उसको इतना पावर में लाती है, इतना पॉजिटिव हमें फील कराएगी कि आप इसको प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस कर सकते हो। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मन में सहानुभूति होगी कि सच में कुछ पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मैं पास से दिखाना चाह रहा हूँ, ये नाभि है, इसमें कछुआ भी है, सब कुछ है। फ्रेंड्स, जब अभी इस वास्तु में आए थे तब हमने यहाँ की ओरा स्कैनर के माध्यम से यहाँ की एनर्जी को स्केल किया था, तो क्या हुआ था, यहाँ पे 30 डिग्री एनर्जी मिली थी। अब हमने ये जो नाभि यंत्र लगा रखा है तो उससे उसकी ऊर्जा कितनी मिल रही है अब आप खुद देख लेना। ये हम इस वास्तु के ब्रह्मस्थान में खड़े हैं, ये मेरा स्कैनर टेस्ट है, ये आप देख रही है 360 डिग्री पे पूरा मेरा ये स्कैनर पूरा मूव कर रहा है। यानी यहाँ की जो पहले हम कंसल्ट किया था तो 30 डिग्री एनर्जी थी, अब हमारा जो वास्तु रेमेडी करने के बाद नाभि यंत्र को वास्तु के नाभि में स्थापित करने के बाद जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है 360 डिग्री, यानी 100% वास्तु का सुधार हो गया है। ये साइंटिफिक प्रूफ हो रहा है कि पहले जो इसका स्केल था वो अलग है और अभी अलग है। अब ये जो ऊर्जा है ये यहाँ के ओनर के लाइफ में इंट्रोड्यूस हो और उनके मन तन धन को समृद्ध करे, खुश करे, बस यही हमें भगवान से प्रार्थना है। आप देख सकते हैं ये नाभि यंत्र को, अब इस तरह से हम सीमेंट से इसको हम बंद कर देंगे।